देख यहाँ से ये देख यार, पानी क्या चमक रहा है यार। ओ भाई बाय बाय, निकलो कभी मत आना पीछे। तो गाइस अभी हम सारे लोग, इट इज अवर डे टू और हम जा रहे हैं अपना ऋषिकेश वाली ट्रिप पे, मीटअप इज डन। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा और ऐसे और भी आगे इन फ्यूचर करते रहेंगे। सो यस, अभी मैं, मेरे निंजा भैया, उसना दी, सारे लोग जाएंगे और ऋषिकेश की रोड ट्रिप का ये ब्लॉग होने वाला है। सो आई जस्ट होप कि आपको पसंद आएगा एंड स्टे ट्यून्ड। निंजा भैया को देख के ऐसा लगता है कि लुज से है क्या सीन है? मैनेज कर रहा हूं गाइस, मैं ए टू जेड चीजें मैनेज कर रहा हूं। क्या मैनेज कर दिया आपने? खुद को मैनेज आप कर नहीं पा रहे। ये हुस्ना, हुस्ना देख, हुस्ना इतनी छोटी है और उसका बैग इतना उससे बड़ा है, समझ रहे हो? आए नहीं। और निंजा भैया, मैं सब मैनेज कर रहा हूँ, टैक्सी कैब सब, यहाँ ट्रेन मैनेज हो रही है, जिंदगी मैनेज नहीं हो रही, बाकी इन सब की जिंदगी मैनेज मैं कर रहा हूँ सबको। अब देखो ये बैग मैं लेके जा रहा हूँ, जाओ अंदर जाओ, चल ले जाओ, देख रहे हो भाई हो तो ऐसा। आपने रील देखी भैया मैंने जो पोस्ट करी? रील देखो, आई एम हियर टू, मैं यहाँ आया हूँ इस, ये जो इंटरनेट की दुनिया इससे दूर हो रहा है, मैं सामने आपके इंटरनेट सामने ये ब्लॉग बन रहा है, मेरा हाथ में कैमरा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। और हम यहाँ लिफ्ट में बैठ गए, मैंने ग्राउंड फ्लोर दबा दिया, वो हंसना उधर ही है, हंसना को छोड़ के जा रहे ये कौन है? जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते लगता है यही बट जाएंगे। मेरी जिंदगी तो बहुत बढ़िया है ना। प्लान ऐसा था कि हम लोग जा रहे थे भाई ट्रेन, ऋषिकेश की ट्रेन बुक थी, लेकिन ट्रेन हो गई थी कैंसिल क्योंकि वेटिंग लिस्ट में जा रही थी, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, हमें निकलना था। और भाई जाएंगे, सोचो कितना ही मजा आने वाला है कि रोड ट्रिप से जाएंगे। ओ बाप रे बाप, सो रोड ट्रिप होने वाली है ये फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश, भाई बहुत फन होने वाला है, बहुत मजा आएंगे, माँ ऐसी तैसी कर दूंगी मैं। चलो फिर चलते हैं, एक दो तीन चार पाँच ड्राइवर है, सब निकल के चले। हर जगह फैन है यार उसना। अच्छा लेफ्ट हैंडर है, माउस तो ले, राइट से यूज कर दिया, माउस राइट भी रहता है ना, कीबोर्ड लेफ्ट से रहता है। ओ मेरे भी भाई, थैंक यू। चले चलो निकलते हैं, अभी हम होटल से निकले हैं और सामने ही हमारी कार है और हम इस कार से जाएंगे सीधा के सीधा ऋषिकेश को। अभी हमारा सामान रखा जा रहा है कार में और ये कार से हम जाएंगे, तो सारे लोग बैठेंगे यहाँ पे और यहाँ से हम जाएंगे सीधा मजे करने पावन नगरी। और बहुत ही ज्यादा चिली वेदर होने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ओ माय गॉड, आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा बुक चली करूंगी मैं, देख रहा हूँ भाई। मुझे पीछे बैठने से मतलब नहीं है, मुझे चाहिए विंडो सीट, मैं विंडो लूंगी भैया बस। तो कुछ भी ले यार, भैया भैया आपके बालों को क्या हो रहा है? बुढ़ापा आ रहा है जी, बुढ़ापा आ रहा है ना यार, वही तो कि मैं कह रही हूँ, ब्याह करो यार, क्या कर रहे हो? ब्यावर वाले ब्याह नहीं कर रहे, बता क्या से क्या कुछ नया चीज मिलेगी तो बता। मतलब अभी मिल रही है चीज, चैट समझे ना तुम लोग, अभी मिल रही है। क्या सोच रही हूँ, निंजा और लेजेंड को पीछे पकते हैं, निंजा तो खुद ही पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, लेजेंड को भी बल पड़ता है, ये दोनों साले सोने वाले हैं ना आराम से। हां अपन दोनों जाएंगे, पीछे जाओ लेजेंड, पतले लोग पीछे जाएंगे, मतलब पतली तो मैं भी हूं, नाइक खाता ही ना। कार में बैठ गए सब, लेजेंड ये रहा, पुट्टू भैया आ गए, मेरा बैग, हालत ये है अभी हमारी रोड ट्रिप में एंट्री लेने पे। अरे भैया पीछे बैठ गए, सब मैनेज कर रहा हूं, देखो पीछे बैठा हूं, भाई चॉइस बैठा है अपने मन से बैठा है, भाई तो भाई चॉइस बैठे जिस वो पाए वहां पे, भाई जैसे ही मैं चश्मा नीचे कर रहा हूं देख कट दिख रहा है यार, पीछे मेरे को भी बैठने का मन था, तो जा पीछे जा। अरे लेजेंड है उसका मन नहीं मांगे, लेजेंड आगे तक बैठ लो, खाने के बाद बाहर हुई थी, लेजेंड आगे बैठेगा, तुम बैठ गया, ऐसे बैठ लड़ लिए अगले लोग पीछे बैठे, बिल्कुल सही लग रहा है, समझ रहे हो? और आगे मतलब वो होजना भी पतली है, सबसे मोटी हूं। डीजल क्या बोलते सी एन जी भरवाने, तो और ये सामने हमारी गाड़ी देख के लिखा चिपक के मत चल, चिपक जाएगा, अरे वाह कसम, और ऊपर उसके लिखा बॉन्डेड, दिस पार्ट ऑफ बॉडी यार, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ बॉडी। बगल वाली भी लिखा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बॉन्डे पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, उसने यार पढ़ ले, बुरी नजर वाले तेरा मुकाला, बुरी नजर तेरे लिए रोज ब्लो हॉर्न, तो हॉर्न नहीं, ओए हाँ यार वायर लगा दो इसके आगे यार, क्या ए, ये सब डालियो मत ब्लॉग में गंदी। पानी ले ले, मैंने तो पानी ले लिया। हाँ भैया प्रिंगल्स दिला दे, अरे बहुत अच्छे लगते हैं यार, एक दिला दे, ठीक है ले लो।
ब्लॉग के लिए है ये ब्लॉग ब्लॉग के लिए तो नहीं बोल रही ना, आगे अगर आपको ब्लॉग में डिब्बा दिखे तब यकीन करना। चले ले ले आते पानी की बोतल, अब पता नहीं क्या क्या ले लेंगे, मुझे लग रहा है। अब इतना खर्चा हो गया है तो एक मैं भी ले लूं। चले चलो, 50 की होती है, 50 की है। अबे रुक के खा लेंगे ना यार, बैठ के आराम। अरे रहने दे, लेना है क्या? अरे इसका ओरिजिनल वाला नहीं है भैया? हाजमोला नहीं खाओ भैया, बहुत खाओ, पेट सफा तो हर रोग दफा। तो अच्छी बात है कि बुरी रहा बात, वो वाला खाओ। नहीं वो नहीं, क्या और साहब मेरे को दिलाया है ना आपने, अपनी इमली तो रखी होगी ये। भैया वो वाला पोस्ट करो, पोस्ट करो, साहब ने दिलाया है। साहब इतना खर्चा हो गया तो एक मेहमान 50-20 चलो चलते हैं। कितने का होगा यार? मेरी बार एक दिला दिया, तो दो रखी हैं। दो ही रखी हैं, मतलब हमारे आपके लिए मिनट भैया समोसा इसका हो गया। ये आपने कर लिया सर? अच्छा, पानी की बोतल लेने आए थे और ये सब क्या क्या ले लिया। अच्छा आपने सही कहा था कि एंट्री करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उठा ही जाएगा। साहब एक समोसा और मिल जाएगा। मैडम जी नहीं, नहीं चाहिए भैया, बोलो मत, मन हो जाएगा भाई। होते तो है प्रिंगल, पर जितने पैसे लेते उतने के तो नहीं होते हैं भाई। मैं पहली बार खा रही हूँ। 20 रुपए का नहीं है, 115 रुपए का है भाई। कितना मस्त है प्रिंगल, घर के चिप्स जैसा लगता है। ये वाले वर्ल्ड के बेस्ट आलू से बनता है। वर्ल्ड का बेस्ट आलू कौन सा होता है? अब वो वही आलू में भी वेरायटी होती है, देसी, ये वो, देवा पहाड़ी, वर्ल्ड के बेस्ट आलू से बनता है ये। अपने मतलब ये अपने खेत और आलू सब वाला इनका पूरा, मैंने वो देखी है पूरा हिस्ट्री करके बैठा पूरा भाई प्रिंगल्स का। जब मैंने खाया था मैंने पूरा देखा था, और गई जितना भी मैंने ज्ञान पहला है तब अपने मन से पहला है, ठीक है? तो इसमें भरोसा ना करें, उठाना। टेस्ट अच्छा है पर चीज बढ़िया है। खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। सिनेमैटिक में डालेगी एडिटर भाई, ऐसी ऐसी तैसी करना ना इसके सिनेमैटिक की। ये भी डाल देना, एक्टिंग कर रही सोने की। अरे यार और अच्छा सिनेमैटिक है यार। हम आए हैं खाने, बीच ट्रिप में लगी है भूख, तो कुछ तो खाना पड़ेगा ना मेरी जान। तो हम आए एक सेक्सी से फूड कोर्ट पे जो आपको पीछे दिख रहा होगा व्यू। मैं आगे चलती हूँ, आगे दिखाती हूँ कैसा है भाई। माँ कसम पेट में ऐसे चूहा कूद रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि इनकी रिले रेस चल रही है कि एक चूहा दूसरे को पकड़ा रहा है, एक चूहा दूसरे को पकड़ा रहा है, तो ऐसा चल रहा है। तो अभी सब लोग अंदर चले गए हैं, मैं भी जाती हूँ अंदर, दिखाते हैं आपको भाई। KFC देख रहे हैं, फन एंड फूड देखो, यहाँ से हमारी एंट्री है। और ये लोग किधर हैं इनका मुझे पता नहीं। देख रहे हैं फूड स्ट्रीट भाई, क्या वेदर के साथ आए हैं। को ये गिफ्ट कर दिया करो यार मुझे, जो बड़े पसंद है फ्लावर्स, बर्थडे पे गिफ्ट कर दियो। ये गिटार है, इसके मैं तार बजा दूँ, कुछ बज ही नहीं रहा इससे। ये जिन लड़कियों को क्यूट चीजें पसंद है वो इधर आ सकती हैं, हम नहीं सुधरेंगे, मैं भी नहीं सुधरूंगा। टेस्ट द एग्जॉटिक फ्लेवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, वी लिव इन नॉर्थ इंडिया। अब यहाँ पे सारी ब्रांचेस हैं, ये देखो KFC, पिज्जा हट, सारे के सारे नॉन वेज के साथ आ गई मैं, और मैं वेजिटेरियन ठहरी। अब देखते मैं क्या खाऊंगी भाई। ये लो वेलेडल आइसक्रीम। और भैया सब बढ़िया? क्या हुआ बाबा जी, थक गए? बाबा जी थक गए, काम करके आए, मटेरियल स्पॉट ये वाले लिए हम लोगों ने। सुबह बैठेंगे, मजे करेंगे, चिल मार के खाएंगे, यही एकदम पेट पूजा होगी। देख रहे हैं भाई, इनके माँ बाप इन्हें KFC वगैरह में खिला रहे हैं और हमारे ढाबा में खाई हूँ मैं। लेवल पे भूख लगी है निंजा भैया, खूब सोच आके आ रहे हो, कुछ भूख लगी है? देख अभी मैं कंटेंट दूंगा नहीं, मैं सोच रहा हूं। बता जल्दी बताओ कितने लेवल पे भूख लगी है? मेरे को सिर्फ 20 लेवल की। ऑन अ स्केल ऑफ 5 कितने लेवल की भूख है? 8। ऑन अ स्केल ऑफ 5 कितने लेवल की भूख लगी है? भूख तो लगी है 8। 5 की स्केल पे कौन से लेवल की भूख लगी है? 5 की स्केल पे तुमने स्केल 5 क्यों रखी? हमने 5, अरे भाई गलती हो गई, तो 10 ही रख देगी, तो कैलकुलेट करना नहीं आ रहा, डबल कर दो। तू बता ना, 5 की स्केल पे कितने लेवल की भूख? 4। कृष्णा जी आपको 5 की स्केल पे कितने लेवल की भूख लगी है? 2.5। और फुट्टू भैया तुम लोग को तो लगी नहीं है, सिर्फ तुम्हें खाना तो तुम्हें खिलाने। ये तो चीटिंग कर ली हमारे लिए, तुमने जान के क्या कर लिया? क्या अबे 4 की लगी उसकी, अब खिलाएंगे ना ऋषभ भैया, खिलाएंगे हमारे जमींदार है हमारे साथ। देखो बचपन, अब उस बेटे को पता नहीं है कि उसकी जिंदगी के साथ क्या है। वो पैदा होते ही इतना छोटा सा है, उसके हाथ में फोन है, फोन में वो गेम खेल रहा है। और जैसे ही उसका गेम खेलने वाला खत्म होगा स्टेप, तो उसकी आदतें लग जाएंगी ये बड़ी बड़ी रईसों वाली चीजों में खाने के लिए, समझ रहे हो? देख रहे हो, काश हमारा भी बचपन ऐसा होता। 1+1=3। मैथमेटिक्स की एक स्टूडेंट बता रही है तुम्हें कि 1+1=3, अब ये कैसे हो सकता है?
यहाँ पे प्लान ये बना है कि सारे लोग अपनी अपनी मर्जी से जाओ अपनी अपनी फेवरेट ब्रांड पे, जो पसंद आ रहा है क्या है। आप चलो देखते हैं कि हुस्ना क्या लेते हैं। चलें हुस्ना, मैं कैमरा मैन है तुम्हारी, चलो। अरे मेरे को एक घंटा लगेगा मनी पड़ने में। यार देखो मेरा पेट अजीब सा हो रहा है थोड़ा। तो क्या अजीब सा हो रहा है पेट में? कुछ हो तो नहीं रहा? क्योंकि कल रात को तुम्हें खट्टा खाने का मन था। देखो मेन्यू देखो, आप क्या खाओगे आप? ऋषभ भैया अभी वही तो देख रहा हूँ मेन्यू, लस्सी दे आलू दे परांठे। लस्सी दे आलू दे परांठे, आपकी शक्ल देख के मेरे को भी। यार यहाँ पे 79 की जगह पे नहीं 69 होना चाहिए ना? नाम का तेरे एडिटर का आगे पीछे। अरे वो एडिटर की ऐसी तैसी। सब्बे पे देख रही हूँ क्या खाऊंगी मैं। सुना दी सब्बे चलोगे? सब्बे सब्बे खाओगे? सब्बे मैं वेंदू वड़ा ले रही हूँ। वेंदू वड़ा? वेंदू वड़ा इधर ही खा रहे हो? ना ना ये गोल गोल होता है, उसमें बीच में छेद होता है। इसने बताया है मुझे क्या होता है वेंदू वड़ा, क्या होता है बताया उसने? गोल गोल होता है, गोल गोल होता है उसमें बीच में। आज पता चला नहीं ना मेरे टावा में नहीं मिलता। वरना फिर तुम क्या करते उसके साथ? इंजे भैया क्या ऑर्डर कर रहे हो? वेंदू वड़ा, वेंदू वड़ा ऐसा लग रहा है साउथ की मूवी का नाम है। वेंदू वड़ा इतना रास कलर है इंजे। मिरिंडा और मेरे लिए भी वो कर दो ना। कैन नहीं बोतल लेते हैं। पाव भाजी, पाव भाजी बोतल दे देना। इन्ना पिंगा पोड़े पाव भाजी, पाव भाजी, पाव भाजी, एक पाव भाजी कर दीजिए। और ये तो एक और ये तो वैरायटी हो गई अपनी। मैं खाऊंगी पाव भाजी, ऑल टाइम फेवरेट। ग्वालियर की भी सबसे ज्यादा मैं सबसे ज्यादा पाव भाजी खाती हूं, तो यहां पे भी मैं खाऊंगी पाव भाजी। और ये यार डिसाइड क्या क्या ले रहे हो? मछली खा रहे हो? अरे नहीं यार, नॉन वेज के बगल में बैठ के खाऊंगी। क्या ले रहे हो ऋषभ भैया, क्या ले रहे हो? अरे खाना में क्या ले रहे हो? KFC में क्या क्या बताओ तो। ए लोलू चल झूठे, मछली ले रहे हो? मछली कहाँ मिलती है? नहीं मिलती। चलो बच गए, मैंने कहा लगा ये मेरे सामने बैठ के मछली ऐसे खाएंगे। मैं पहली बार अपनी लाइफ में ये देख रही हूँ, मैंने हमेशा फोटो में देखा IRL देख रही हूँ। IRL मतलब ये ऐसे मैंने फोटो में देखा है। एक बार वैसे खाओ करके। ये वेजिटेरियन है? आप छोड़ दिए हो नॉन वेज खाना, मतलब आप खाते तो दे पहले है ना भैया। चलो मेरा भी आ गया पाव भाजी छोले भटूरे। चलो रख दो रख दो, देख रहे हो भैया जी। हैंड वॉश कहीं हो सकता है इसी लाइन में? अरे हाँ थोड़े गंदे क्योंकि मैंने शूज पहने, तो मैं हैंड वॉश कराती हूँ। अपनी पाव भाजी भाई कितना छोटा पाव दिया है। गाइस ठाकुराइन गई है अभी माजा लेने के लिए, ठीक है अभी माजा लेके आएगी वो। जब तक हमने उसका पाव भाजी जो था वो छुपा दिया है इसके अंदर, देखते हैं अभी उसका क्या रिएक्शन होता है। मरिंडा तो ये पड़ी ना यहाँ पे, मरिंडा ही लानी थी तो मेरी भाजी कहाँ है? अरे यार भाई यार दुनिया है भगवान। कट 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 कट, सॉरी सॉरी, वापस रीटेक रीटेक। हाँ अब वापस कट गाइस, सॉरी। मेरा पाव कहाँ है? पाव कहाँ गया? कहाँ गया पाव? कहाँ गया? कहाँ गया? पिंक कलर का पाव था इसी। वापस पाव दे दो इसका। अच्छी स्क्रिप्ट थी गाइस, अच्छा अच्छा स्क्रिप्ट था गाइस ये। ओह माय गॉड, आया नहीं निकल यार ये निंजा भाई। आगे निकल ही रहे थे कि ऋषभ भैया के कुछ फैंस मिल गए, तो उन्होंने किया फोटो शूट। एनर्जी के साथ ट्रिप को करते हैं कंटिन्यू, और मैं पीती हूँ अपनी कहते हैं गिफ्ट शॉप पे, और ऋषभ भैया हमें एक एक गिफ्ट हर कोई दिला रहे हैं। निंजा भैया आपको ये पसंद, निंजा भैया को ये पसंद आ रहा है। उस नदी आपको क्या पसंद आ रहा है? उस नदी चेक कर रही हूँ, मुझे आदत नहीं है गिफ्ट लेने की। अभी ये देखो भैया नोज से निकलता है भाई, मुझे पता क्या लगा ये क्या है? ऐसे रखने के लिए और इस पे लाइट जलती होगी, बल्कि ये परफ्यूम है। सच में नहीं बताता, ब्लू अच्छा लग रहा है ब्लू। ऋषभ भैया इसको देख के आपको कुछ याद आई? हुस्ना दी इसे देख के आपको कुछ याद आई? एक से याद नहीं आया भैया? एक्स नहीं नहीं, ओ लेजेंड एक्स। ओ इसको देख के किसी की याद आई? एक्स नहीं, किधर है ये काले से।
कौन सा फाइनल गया? ये वाला सही लग रहा है, मस्त लग रहा है। ये लो लेजेंड भाई गिफ्ट हमारी तरफ से। वो ये लेजेंड को गिफ्ट मिला है? ओ भाई मुंह देखो मुंह। अब इसी ने बोला यही कलर पसंद है। ठीक है उसना दी, आप क्या ले रहे हो? उसना के लिए देखो, एक बार लगा के देखो। हम स्टीमर सूट तो कर रहा है, डबल फेस भाई सही में लग रहे हो आप। असली है क्या? चलती है। अरे मोरे माइंड मोरे नमाती है। एक बार ट्राई करने दिए भाई, क्या लग रहा है? कैसे पकड़ते हैं? नाइस। कैसे पकड़ती भी भाई? ढंग से दिख नहीं रही भाई। ठकुराइन से स्नाइपर तो आज तक चली नहीं। M4 है कि नहीं? यहाँ पे सब स्नाइपर ही है। तो ये अपने सब भैया भाई, मैं इनमें से एक को भी नहीं जानती, एक सिंगल। किसको जानते हैं? फ्रोजन की लड़की है ये दोनों, एल्सा और भाई। मैं पता किसको जानती हूँ? मैं इसको जानती हूँ, ऑरेंज वाले को। क्या नाम है? टाची उचिया। ये है टाची उचिया। ये डेटा है। सासुके? सासुके सासुके नहीं है, सासुके का है। सासुके वो खड़ा है। ये सासुके तो ये कौन है? कैप्टन अमेरिका में चार समा दिए और इतना बड़ा कैप्टन अमेरिका। भी तो उचिया नाइन टेल्स। आप लोग यही देखते रहते हो? मैंने ये देखा भाई, ये सबसे सेक्सी लग रहा है ना भैया। मदिरा नहीं, मदरा, मदारा, मदारा ही कहते हैं। I am the ghost of the Uchiha. ये टाची उचिया यार, सॉरी भाई। बताना टक रहे हैं। हाँ। मेरे को क्या चाहिए? मेरा मन था एक बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, मेरा मन इसका। ये मग भी अच्छा लग रहा है, लव यू लव वाला। नहीं यार, जिंदगी में प्यार नहीं है भैया। मेरा ये मन कर रहा है लेने का, लेकिन इसमें आंखें वगैरह नहीं है। और मेरे को झुमके दिला दो। झुमके ले लिए, कितने दिला सकते हो भैया? एक ही दिलाऊंगा और क्या? क्या एक तो मैं ही ले लूँ? ऐसे तो लेने वाले तो हम ही ले लें। हाँ भाई, ऐसे क्या है? काश कोई और होती जैसे दिला पाता मैं झुमके। क्या झुमके दिलाने वाला? लड़कियों को झुमके दिलाने वाला ही लड़का तो चाहिए। एक का क्या करेंगे? मेरे पास ऐसी ड्रेस भी नहीं है ना जाना। मेरे को वैसे में चाहिए भैया। आप अपने हिसाब से कुछ भी दे दो। ठीक है, आप गाली दे दो। धार्मिक टेडी दिला दो। टेडा है ये, तुम्हारी जगह कम हो जाएगी कैब में। भैया ये दिला दो। ये मैं दिला दो, पर वो कैरी कैसे करेगी? नहीं नहीं, तू 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 आएगी अपने आप बस से, इसको लेके जाएंगे कैब से। ये दे दो भैया तीन बस, चलो। ये है क्या? ये क्या मिला भैया? ओके दिस इज माइन। क्या करेंगे? चार हो रहे हैं अगर पसंद ना आए तो। भाई सुनो भाई, पूरा टाइम कर रहे हैं, पूरा टाइम दिया था, पूरी दुकान में कुछ भी ले लो, पर इनको नहीं दिया तो अब यही है। मैंने ये लिया है, एक छोटी सी यादगार की चीज लेनी, वो नहीं ढूंढ पा रहे तो। ऋषिकेश में आपका स्वागत है। थैंक यू भैया। ऋषिकेश में भी हम लोग आ गए हम। भाई होते हुए जाती है यार गंगा जी, बताओ। बाप रे बाप, मैं तो ये पहली बार देख रही हूँ। अरे अभी तो आरती वाला लोकेशन दे भाई, बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा है, पूरा लाइन बहुत प्यारा। अब ये लोग देखो इसलिए भीड़ वो रख रहे हैं, अपनी जगह घेर रहे हैं ताकि 7 बजे की आरती में इनको फ्रंट वो मिले दर्शन आरती। भाई यहीं पे होती है आरती गंगा भैया की। हर की पौड़ी, हर की पौड़ी नाम है इस जगह का। यहाँ से ये देखो यार, पानी का चमक रहा है यार। ओ भाई, सो दिस इज गोइंग टू बी द रूम और घर जिसमें हम सब रुकने वाले हैं इधर पे 4 दिन के लिए। सो ये होने वाला है। सो गाइस, अभी हम रोड ट्रिप कंप्लीट करके आ चुके हैं ऋषिकेश में। अब आप सब लोग स्टे ट्यून्ड रहना जो नेक्स्ट व्लॉग्स आने वाले हैं। तो ये थी एक ट्रेवल जर्नी जो कि हम दिल्ली से ऋषिकेश के लिए लिए। सो आई जस्ट होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना, वरना घर से उठा लूंगी। चलो गाइस, मैं वैसे ही हूं।